बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अगली सुनवाई करेगा। अब निगाहें एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा था। आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को अपना जवाब सौंपा। ईडी ने केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्टे की जरूरत है। ईडी ने कहा कि निचली अदालत में जो सबूत रखे गए उसका परीक्षण नहीं हुआ है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, पहले हाईकोर्ट में क्या फैसला आता है उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था क्या? नियम कहते हैं ये असल में वही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में जब एक दो दिन में आदेश आ ही जाएगा तो इतनी हड़बड़ी क्या है? और कहने का मतलब ये भी है कि अगर पर्सनल लिबर्टी की बात केजरीवाल करते हैं तो पर्सनल लिबर्टी तब होती है जब कोई आदमी बाहर हो और उसे गिरफ्तारी का खतरा हो, लेकिन यहाँ तो केजरीवाल पहले से अंदर हैं, तो लिहाजा कोर्ट ने कहा है कि हम बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेंगे। तब तक अब हाईकोर्ट का आदेश भी आ जाएगा और जब तक आदेश नहीं आए तो उस पर सुनवाई किस बात पर हो, चुनौती किस चीज को दी जाए? तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट का आदेश, जब लोअर कोर्ट स्पेशल कोर्ट का आदेश आए बिना हाईकोर्ट सुनवाई करके रोक लगा सकता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो इस पर हमें राहत दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी राहत, फौरी राहत देने से उनको इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेंगे, तब तक हाईकोर्ट का आदेश भी आ जाएगा और उस पर फिर एक फाइंडिंग होगी हाईकोर्ट की, क्योंकि लोअर कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स दे दी है, हाईकोर्ट अपनी फाइंडिंग दे देगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। तो अब सारी बातें बुधवार तक चली गई हैं, यानी बुधवार तक यथास्थिति रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई फौरी राहत तो नहीं मिल पाई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।